लोग अच्छे होंगे। तो मैं आया हुआ था कैंपिंग सूत्रा के द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए एक मीटअप में लोहा घाट के आसपास। इस मीटअप में 15 से 20 गाड़ियां आई हुई थी और उसमें से 15 से 20 गाड़ियों में से एक बहुत ही यूनिक गाड़ी आई थी जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल गाड़ी है, जिसको कि लोगों ने अंडर एस्टिमेट कर दिया था और गरीबों की गाड़ी बोलकर उसको बिल्कुल साइड कर दिया था। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ वो गाड़ी कि उस गाड़ी में अगर आप लोग ओवरलैंडिंग के शौकीन हैं या कैंपिंग के शौकीन हैं, उस गाड़ी में आप लोग कितना कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है बड़ी बड़ी SUVs या फिर बड़ी बड़ी कैरावैन या बड़ी बड़ी कैंपर वैन उस गाड़ी के सेटअप के सामने फेल हैं। और मैं आप लोग को मिलवाता हूँ उस गाड़ी के ओनर से, दिखाते हैं कि उन्होंने कैसे अपना DIY और दिमाग यूज़ करके कि किस तरह से उसको बेस्ट से बेस्ट गाड़ी बनाया हुआ है। मैं कहूँगा कि बेस्ट से बेस्ट गाड़ी नहीं, बेस्ट से बेस्ट कैंपर वैन बनाया हुआ है। तो भाई साहब, आप सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका ऑक्यूपेशन क्या है और आपको ये ओवरलैंडिंग और कहेंगे कि हिंदुस्तानी भाषा में कार कैंपिंग का शौक कैसे हुआ जी और कब से है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम संजीव पटवाल है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और गाजियाबाद में रहता हूँ। पहले मैं कॉर्पोरेट में काम करता था, काफ़ी थकान हुई तो इसलिए अब फुल टाइम आराम करता हूँ। एक अलग फेज है ज़िंदगी जीने का, उसको जी रहा हूँ। तो ये एक ओवरलैंडिंग कॉन्सेप्ट है मेरा, जिस कॉन्सेप्ट में मैंने अपना टाइम ब्रेन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के लिए जो प्राइस है वो मैटर नहीं करता है। हम सब जानते हैं इस गाड़ी को, ये है टाटा नैनो। ये एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट था हमारे नेशन को, हमारे हर उस बिलो एवरेज अर्निंग पर्सन के लिए जो अपने परिवार को एक चार दीवारी के अंदर सिक्योर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहता था। लेकिन फॉर सम हाउ हमारी पूरी कम्युनिटी ने, हमारे देश ने या कुछ और चीज़ों की वजह से इसको बहुत ज़्यादा डिसग्रेस किया, बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया, क्योंकि रतन टाटा जी को इस गाड़ी को बंद करना पड़ा। फिलहाल ये गाड़ी ही मैंने पर्टिकुलरली चूज़ करी अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि थोड़ा सा चैलेंजिंग होना बनता है। कोई भी गाड़ी लेकर, स्पेशियस गाड़ी लेकर उसको कन्वर्ट कर देना बहुत आसान है, लेकिन वो एक अलग वीडियो होती है, जो आप अलग स्वाइप करेंगे तो एक नई वीडियो आपको दिखने लग जाएगी। ये एक शो स्टॉपर है, आप रुक कर इस गाड़ी को देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि एक छोटी सी 3 मीटर की गाड़ी के अंदर किस तरह से आप पूरा का पूरा आनंद ले सकते हैं और अपने कैंपिंग का पूरा सेटअप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो संजीव जी, पहले तो मुझे ये एक बहुत ही शॉकिंग लगा कि आप टाटा नैनो जैसी गाड़ी में ओवरलैंडिंग कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जैसे आप ऑफ रोडिंग करते हैं, मैं देख पा रहा हूँ हमारे आसपास बिल्कुल ऑफ रोड है। टाटा नैनो में आप इस तरह की रोड्स पे आए हैं और इस तरह की लोकेशन पे आए हैं, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती? क्योंकि मुझे जहाँ तक आइडिया है थोड़ा सा इसका पावर लो रहता है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको इसके टेक स्पेक्स बता देता हूँ, जो कि बहुत कॉमन है, सबको पता है। 624 CC का इसका इंजन है। बेस्ट पार्ट ये है कि वो इंजन पीछे इंस्टॉल हो रखा है। पीछे इंस्टॉल होने की वजह से ही इस गाड़ी को बहुत ही अच्छा पुश मिलता है, जिसके वजह से ये गाड़ी किसी भी एक्सट्रीम लोकेशन पे जा सकती है। थोड़े से मॉडिफिकेशंस है, क्योंकि ऑलरेडी इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, वैगनार से भी ज़्यादा है, तो मैंने ऑल्टो के टायर जो है वो इसके रियर में इंस्टॉल कर दिए। वो थोड़े से ब्रॉड है और थोड़ा सा हाइट में भी ज़्यादा है, तो जो कि ग्राउंड क्लियरेंस को एक्सट्रीम 200 तक के आसपास बढ़ा देते हैं, और किसी भी जगह पर ये किसी भी स्लशी एरिया के अंदर में आराम से ये गाड़ी बिना किसी प्रॉब्लम के ये पहुँच जाती है। तो ये तो है इस गाड़ी का सबसे अच्छा टेक प्लस पॉइंट जो इसको यूनिक बनाता है। सेकंड चीज़, जो फीचर्स मैंने इस गाड़ी के अंदर डाले हैं वो थोड़े से यूनिक हैं। ये एक नॉर्मल सी गाड़ी नहीं है जिसके अंदर में आपने क्वीन साइज बेड बना दिया और सोने का इंतज़ाम कर दिया, काम ख़त्म। पहली चीज़, मैं इसको एक कैंपर वैन नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये कैंपर वैन की कैटेगरी में आता ही नहीं है, क्योंकि ये कोई बॉक्सी डिज़ाइन नहीं है, ये कोई बड़ी टॉल गाड़ी नहीं है, ये सबसे माइक्रो, सबसे टाइनी, सबसे छोटी गाड़ी है, सिर्फ 3 मीटर की। इसलिए मैंने इसको नाम जो दिया वो एक मोटर होम का दिया है। बिल्कुल, ये एक ऐसा घर है जो कि मोटर के ऊपर चल रहा है, अ होम अवे फ्रॉम होम, ये वाला फैक्टर आप लेके चले। तो ये एक मोटर होम बना हुआ है जिसके अंदर पावर मैनेजमेंट का सिस्टम है, जिसके अंदर एक वॉशरूम का सिस्टम है, किचन फुल फ्लेज है, बेडिंग है, स्पेस वर्क स्पेस है, कपड़े रखने का सामान, वाटर सप्लाई,
पावर मैनेजमेंट सब कुछ आपको इस गाड़ी के अंदर में भरपूर मिलेगा। तो बहुत ही शानदार संजीव जी, आपकी बातें सुन के लग रहा है कि जिस तरह से आपने इस कार को अपनी डिस्क्राइब किया है, ये आपके पास ये एक्चुअली छोटी सी टाइनी मोटर होम नहीं है, मुझे लग रहा है ये 1 BHK है जिसमें सब कुछ अवेलेबल है। और मुझे लग रहा है कि आज का ये वीडियो बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है। और जैसा कि आपने बताया इसमें सब कुछ है, किचन और आपका स्लीपिंग सेटअप और वाटर मैनेजमेंट। सबसे पहले चलते हैं आपके किचन की तरफ और उसके बाद आपकी बाकी चीजें भी देखेंगे, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और जो भी आपने इसमें यूनिक कर रखा है। तो हम आते हैं इसके किचन सेक्शन पे। सबसे पहला इस गाड़ी को ढूंढने का जो चैलेंज था वो ये था कि जेनेक्स 2 मॉडल जो है वो मिलने रही थी। जेनेक्स 2 मॉडल ही मुझे चाहिए थी क्योंकि जेनेक्स 2 के अंदर में एक बिल्ट इन ऑनिंग आपको मिल जाती है जो आपको कई चीज़ों से बचाती है। जब आप खाना बना रहे हैं तो एक्सेसिव हीट बचा लेती है, आपको धूप नहीं लगती है, जैसे इस समय पूरा सूरज ऊपर आसमान में लेकिन मैं आराम से शेड में खड़ा हूँ, खाना बना सकता हूँ। प्लस ऊपर से कभी बारिश वगैरह आ रही है तो उसमें भी आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो पहला चैलेंज था एक जेनेक्स 2 गाड़ी को ढूंढने का, तो इसीलिए ये गाड़ी मैं रेवाड़ी जाकर स्पेशली ख़रीद के लेकर आया। किचन सेक्शन पे आते हैं। पहले बात, ये गाड़ी के अंदर आप जो भी चीज़ें देखेंगे, जो भी मॉडिफिकेशन देखेंगे, वो एक प्रोटोटाइप पे है, वो फुल और फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। चीज़ें अभी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कहाँ माइनस और कहाँ प्लस की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों को अभी एनालाइज करने के बाद में इसको एक पूरा एक अपना फेस मिलेगा। तो पीछे एक कैबिनेट बनाया गया है। इस कैबिनेट के अंदर में 2 सेक्शन है, एक ऊपर का सेक्शन है, एक नीचे का सेक्शन। नीचे का सेक्शन स्लाइडर है जिसमें आप देख सकते हैं 2 बर्नर स्टोव है, जो इस 2 बर्नर स्टोव के साथ में हम अपना जो LPG है उसको कनेक्ट करते हैं। LPG कनेक्ट करने के बाद में हम अपना खाना इस गैस के ऊपर, बर्नर के ऊपर बनाते हैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि जो इसके ऊपर का सेक्शन है वो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब आप इस सेक्शन को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो ये आपका प्लेटफॉर्म होता है, इसको आप आराम से क्लीन करने के बाद में इसको चॉपिंग बोर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड की तरह यूज़ करने के बाद में आप इसमें रोटी बना सकते हैं, आप उसको चकला बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट बने गए हैं, दोनों कंपार्टमेंट बहुत ज़्यादा डीप हैं। एक कंपार्टमेंट के अंदर मैं अपने सारे यूटेंसिल्स रखता हूँ जो मुझे खाना बनाने के लिए चाहिए होते हैं, और जितने ज़रूरत होते हैं, कम से कम मैं सोलो करता हूँ लेकिन हमेशा 2 या 3 लोगों के हिसाब से अपने बर्तन या राशन है उसको कैरी करता हूँ। तो यहाँ पर आपका रहता है यूटेंसिल सेक्शन, और यहाँ रहता है आपका जितना भी ग्रॉसरी होता है, आप अपना ग्रॉसरी इसके अंदर में स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। और निश्चिंत हो कि आपको कहीं ये फैलाने की ज़रूरत नहीं है या ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके कंपार्टमेंट जो हैं वो बिल्कुल डेडिकेटेड है। तो ये हुआ किचन सेटअप की बात, कि आप इस किचन सेटअप के अंदर इतने से छोटे से कैबिनेट के अंदर आप अपने पूरा एक किचन अपने साथ में कैरी कर सकते हैं, और कम से कम नहीं भी तो 1 महीने तक का अपना हिसाब किताब सामान अपने साथ ले आके कैरी कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हुआ किचन की बात। अब मैं आपको ले चलता हूँ उसके अंदर के सेक्शन की तरफ, जहाँ पे 2 या 3 और डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि एक कैंपिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेडिंग की, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है और एक कंफर्टेबल सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर इस गाड़ी में। तो ये सेक्शन है, ये इसका रियर सेक्शन है, जहाँ से मैंने जो सीट है पीछे की वो बिल्कुल हटा के इंस्टॉल कर दी। एक फ्लैट बोर्ड का मैंने एक 2.5 बाय 6 का मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें आराम से एक आदमी कंफर्टेबल होकर सो सकता है। ये को ड्राइवर जो सीट है वो 4 बोल्ट के हटाने से इजीली आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो और बाहर रख सकते हो जहाँ पे आप अपना सेटअप कर लें। तो उसके बाद में ये प्लाई सिस्टम है जो पूरा खुल जाता है और 6 फुट के आसपास इसका एक पूरा बेड बन जाता है। इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा फॉर्म यूज़ किया है जो बहुत कम्फर्टेबल है, क्योंकि इतनी हार्डशिप के बाद में, इतना ट्रैवल के बाद में एक बहुत ही अच्छी नींद आना या एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप फ्रेश होते हैं और अपने जो लोग होते हैं उन तक अपनी वाइब्स को पहुंचा पाते हैं। तो ये है पूरा का पूरा सेटअप जिसमें मैंने इस तरीके से बेडिंग कर रखी है, ये मेरे कंबल है, पिलो है, इन सारी चीज़ों को मैं कैरी करता हूँ। अगर मैं इसके साथ ही बात करूँ अपने दूसरे एक सेटअप की, वो है ये कैबिनेट, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पीछे के सामान को कैसे यूटिलाइज़ करें, तो मैंने एक कैबिनेट बनाया। इस कैबिनेट के अंदर में 3 कंपार्टमेंट हैं, जहाँ पर जो फ्रंट का कंपार्टमेंट है इस कंपार्टमेंट के अंदर मेरे कपड़े आ जाते हैं, और पीछे के कंपार्टमेंट डिवाइडेड हैं 2 हिस्सों में। उस हिस्से के तरफ को आता है मेरा वाटर मैनेजमेंट, जिसमें कि एक 25 लीटर का फ्रेश वाटर टैंक है जो कि मुझे पानी प्रोवाइड करता है मेरे सारी नीड्स के लिए। और इस तरफ मेरे जितने भी गैजेट्स हैं या वायर्स, केबल्स, जो भी चीज़ें होती हैं टेक्निकल चीज़ें, वो सब मैं इस कैबिनेट के अंदर रखता हूँ। ये जो कॉम्पैक्ट सा स्पेस है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत ही बढ़िया यूटिलाइज किया हुआ है। आपने अपना जो बताया है कि आप इसमें अपने
एसेसरीज वगैरह और काफी यूजफुल चीजें रख लेते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मुझे इस चीज का काफी ज्यादा यूज लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको टेबल की तरह भी यूज कर सकते हैं और भी कई मल्टीपर्पज ये यूज हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। जो ये कंपार्टमेंट है इसमें हर एक छोटे से छोटे इंच का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हम जगह बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि इस गाड़ी में हमारे पास में जगह नहीं है, तो हमें हर सिंगल इंच को इस्तेमाल करना है। तो ये टेबल जब मेरा डाइनिंग टेबल की तरह यूज नहीं हो रहा होता है, तो सेम टाइम पे मैं यहाँ पे अपना डेटा कॉपी कर रहा होता हूँ, वीडियो एडिटिंग कर रहा होता हूँ, अपने दूसरे काम कर रहा होता हूँ, एज अ स्टडी टेबल, एज अ वर्क टेबल, एज अ डाइनिंग टेबल भी मैं, या अपना जो एंटरटेनमेंट सिस्टम होता है, जब मैं टाइम लेजर टाइम अपना यूटिलाइज कर रहा होता हूँ, तब उस टाइम पर मैं इस टेबल को भी इस्तेमाल करता हूँ। तो ये मल्टीपर्पस हैं, तो इनका मल्टीपर्पस यूज मैं अपने हर कैंपिंग के अंदर लेता हूँ। किचन सेटअप और बेड सेटअप जो एक जो मेन पॉइंट होते हैं ओवरलैंडिंग में, वो आपने हमें दिखा दिए। उसके साथ ही आपने कई सारी अपने डिजाइन की हुई चीजें दिखाई हैं, जैसे कि वो टेबल बहुत ही यूनिक था। अभी इसमें एक और चीज मेन होती है, एक्चुअली दो चीजें मेन होती हैं और ओवरलैंडिंग में, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर मैनेजमेंट। तो आप अपना वाटर मैनेजमेंट और इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं? जी हाँ, जैसे कि आपने अभी जो चीज़ें देखी हैं वो एक बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। आप अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से कनेक्टेड रहें, साथ में उन अपने उपकरणों को चलाने के लिए, उनको चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, प्लस साथ में वाटर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उस पानी को कैसे कैरी करते हैं और कहाँ पे रखते हैं, क्योंकि हमें स्पेस भी बहुत कम मिली हुई है, तो हमें उसको उसी तरीके से बहुत अच्छे से और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से हमें उसको यूज़ करना था। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि यूजुअली जो लोग होते हैं वो अपना इंटरनेट के लिए अपने हॉटस्पॉट को यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनके फ़ोन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो हॉटस्पॉट फैक्टर होता है बहुत इस चीज़ के लिए नहीं बना है, थोड़ी चीज़ों के लिए बना है लेकिन नहीं। तो मैंने इस चीज़ को हमेशा समझते हुए, इसकी नीड को समझते हुए, हमें एक हुआवे का एक 4G राउटर मैंने लिया था। इसके अंदर आप जियो से लेके अपने सारे सिम डाल सकते हैं, ये सिम ऑपरेटेड है, प्लस ये AC पावर से चलता है। इसके अंदर एक 9 dBi का एंटीना लगता है और मैं जब भी जिस लोकेशन पे जाता हूँ उस एंटीना को लग के अपनी गाड़ी के ऊपर रख देता हूँ। मुझे इंटरनेट की अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 25 किलोमीटर दूर अगर कोई टावर है वहाँ से भी स्पीड को खींच लेगा और आपको एक बहुत ही अच्छी 4G स्पीड प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से मैं अपने इंटरनेट के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको हटा देता हूँ और एक फुल फ्लेज रनिंग इंटरनेट यूज़ करता हूँ, जो कि मैं अपने काम के लिए, अपने TV, अपने फ़ोन, हर चीज़ के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। आइए मैं इसके साथ में आपको दिखाता हूँ कि मैं पावर मैनेजमेंट के लिए क्या करता हूँ। देखिए, पावर मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और हर ओवरलैंडर को पता है कि DC ऑपरेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे, एक्सपेंसिव आते हैं। सस्ता जुगाड़ क्या है? AC। अगर आप AC अप्लायंसेस को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है। उदाहरण के तरीके से अगर आप एक 10 वॉट की लाइट खरीदते हैं तो वो DC में ज़्यादा महंगी आती है और AC के पावर के अंदर में बहुत सस्ती आती है। तो मैंने एक ई रिक्शा की बैटरी ली जो कि 110 AH की होती है, काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि मैं कभी भी अपनी गाड़ी के पावर सिस्टम को अपने ओवरलैंडिंग के कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज नहीं करना चाहता। क्योंकि समझिए कि अगर आप किसी बीहड़ ऐसे जंगल में आप अगर कैंपिंग कर रहे हैं और गलती से एक बल्ब भी जला रह गया तो आपकी गाड़ी सुबह डाउन हो जाएगी और जहाँ पे आपको इंसान भी धक्का लगाने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी अपने गाड़ी के टेक्निकल्स और बैटरी सिस्टम को कभी भी इंडल्ज मत कीजिए अपने पर्सनल चीज़ के साथ में। हमेशा कोई ना कोई एक बैटरी AH की अपने साथ अलग से कैरी कीजिए। मैंने 110 की AH की बैटरी डाली है, प्लस एक 100 वॉट का एक सोलर पैनल है जो कि मैं इस तरह से बाहर उसको बैटरी को रिचार्ज करने के लिए यूटिलाइज करता हूँ, ताकि पूरे दिन मेरे में वो बैटरी मेरी आराम से रिचार्ज हो जाती है, जिसको मैं हमेशा रात को इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस चीज़ को कनेक्ट करने के लिए मैंने एक सेकेंड हैंड इन्वर्टर 600 VA का लिया है, जो कि बहुत छोटा और कॉम्पैक्ट है, हमारे घरों में भी होता है, सिंगल बैटरी के 12 वोल्ट के साथ में वो ऑपरेटेड होता है, वो मैंने लिया है। जिसके बाद मैं अपने मोटर होम के अंदर लगे हुए सारे अप्लायंसेस को AC करंट के साथ में ऑपरेट कर सकता हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें और क्या सिस्टम कर रखा है, किस तरीके से अपने वाटर सिस्टम को मैनेज कर रखा है और किस तरीके से मैंने अपने बैटरी को इंस्टॉल कर रखा है। तो हम जो इस सेक्शन की बात करेंगे, यहाँ पर हमारा वाटर मैनेजमेंट और हमारी बैटरीज वगैरह इंस्टॉल्ड हैं। मैं आपको दिखाता हूँ,
इस कैबिनेट के अंदर जो मैंने इस सेक्शन में वाटर मैनेजमेंट डाला है, यहाँ पर एक कटआउट बनाया है। इस कटआउट से ही पानी जो है वो मैं बाहर निकालता हूँ और यूटिलाइज करता हूँ अपने यूटेंसिल्स धोने के लिए और खाना वगैरह बनाने के लिए। साथ ही इसके नीचे की काफ़ी स्पेस थी जो यूज़ नहीं हो पा रही थी, तो मैंने अपनी बैटरी जो है 110 AH की वो मैंने इसके नीचे साइड में इंस्टॉल कर दी है। उस बैटरी को मैनेज और ऑपरेट करने के लिए मैंने एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया है। ये सोलर चार्ज कंट्रोलर मेरे सोलर पैनल से एक अच्छे तरीके से ओवरचार्ज नहीं करने देता है मेरी बैटरी को, जिससे मेरी बैटरी ख़राब नहीं होती है और पूरे दिन यूज़ करने के लिए मेरी बैटरी को चार्ज कर देता है। साथ में एक मैंने एक सर्किट ब्रेकर लगा रखा है। MCB बहुत ज़रूरी है क्योंकि गाड़ियों में इन्हीं चीज़ों की वजह से आग लग जाती है, तो हमेशा उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक MCB एक सर्किट ब्रेकर लगा रखा है। कभी भी कुछ ओवरचार्ज होता है, कुछ होता है, तो ये ट्रिप कर जाता है और मैं इसको अपने तरीके से बंद भी कर सकता हूँ और चालू भी कर सकता हूँ। प्लस अब हमें हमेशा अपने साथ एक मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा हर एक ओवरलैंडर को, ये एक बहुत ही सस्ती और छोटी सी चीज़ होती है और हम लोग अक्सर बड़ी महंगी गैजेट्स तो खरीदते हैं लेकिन ये चीज़ हम हमेशा मिस आउट कर देते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर इन केस ऑफ गॉड फॉरबिड एनी इमरजेंसी कुछ हो जाता है तो दिस इज़ द लाइफ सेवर। आप सब अपनी गाड़ियों में इस चीज़ को ज़रूर इंस्टॉल करें क्योंकि ये आपके LPG सिलेंडर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दिस इज़ व्हाट ensuring my safety, my motorhome safety. देखिए मैं आप सबको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ और दिखाना चाहता हूँ इस गाड़ी के अंदर। हम सब लोग एक वॉशरूम कॉन्सेप्ट हमेशा फॉलो करते हैं जिसके लिए हम गाड़ी से बाहर एक टेंट लगाते हैं और एक सेटअप होता है वो वॉशरूम का, जो कि एक पॉलीथीन बैग के साथ हम यूज़ करते हैं, तो वो तो होता है एक्सटर्नल। लेकिन क्योंकि मेरे जो कैंपिंग्स होती हैं वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा डेंस रिमोट एरिया के अंदर होती हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट कोई भी नहीं होता है, वहाँ पे पहला सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो मैं खुद अपने लिए होता हूँ। तो ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ मिल जाती है और आप बाहर नहीं निकल सकते हैं रात को। जब आप इस सिचुएशन में फंसते हैं और आपको कभी वॉशरूम जाने की नीड हो जाए तो उस सिचुएशन में इस गाड़ी के अंदर बना हुआ है एक एमरजेंसी वॉशरूम। जी हाँ, मैंने खुद इस चीज़ को बहुत सोचने के बाद डिज़ाइन किया और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैं उसको यूज़ करता हूँ। वैसा आज तक कभी हुआ नहीं है लेकिन हमेशा आप जब एक टफ सिचुएशन एक टफ टेरेन के अंदर जा रहे हैं तो आपको एक प्रिपरेशन के साथ जाना पड़ता है कि कहीं हमारे पास में ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जिसको हम डील ना कर पाएं तो सब कुछ मैसअप हो सकता है। मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर एक वॉशरूम बनाया है जो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मैं उसको किस तरीके यूटिलाइज करता हूँ। ये सेक्शन है जो कि को ड्राइवर सीट को हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। इस सेक्शन के लिए हम हमेशा यहाँ से देखें, अपने बेडिंग आपको हटानी पड़ेगी और यहाँ पे मैंने बना रखा है एक कटआउट। ये वही कटआउट है जिस तरीके से लोग जो एक कंसेप्ट खरीदते हैं टॉयलेट स्टूल खरीदते हैं, ये एग्जैक्टली उसी तरीके का कटआउट है। इस गाड़ी के अंदर में एक ऐसा एग्जॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल्ड है जो ऑपरेट होता है, आपको जब भी ये चीज़ करनी हो आप आराम से उसको ऑपरेट कीजिए और वो सारा फ्यूम्स बैड स्मेल्स ऑडर सब कुछ वो एक मिनट में खींच के बाहर कर देता है क्योंकि बहुत ही पावरफुल मोटर उसके अंदर में इंस्टॉल्ड है और वो गाड़ी के नीचे से इंस्टॉल होती है। मेरे पास में एक दूसरा बॉक्स भी है, यूजुअली यूरिन पास करने के लिए मैं इस इमरजेंसी को यूज़ करता हूँ क्योंकि वही एक टफ सिचुएशन होती है। तो एक ऐसा एक और केस है जिसके अंदर में एक कटआउट है जिसमें एक सिंक लगा हुआ है, जो सिंक का सॉरी पाइप होता है टॉयलेट हमारे बाथरूम के अंदर में या हमारे किचन के अंदर में लगा होता है सिंक में, वो चीज़ लगी हुई और नीचे एक फ्लोर पे एक कटआउट है जो कि बंद और खोल सकते हैं, तो वो पाइप को हम वहाँ से ड्रेन कर देते हैं। आप इसको इजीली ऐसे इंस्टॉल कीजिए, आराम से बैठिए और आपको अपना जो करना है वो आप आराम से कर सकते हैं, वो चीज़ डिस्पोज भी हो सकती है। यूज़ करने के बाद में आप धीरे से दरवाज़ा खोल के इस कॉन्सेप्ट को अपने गाड़ी से बाहर रख सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं और आराम से दोबारा से अपनी उस जर्नी को उस एक्सपीरियंस को कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। ये है हमारे संजीव जी जिन्होंने अपना बहुत ही यूनिक 1 BHK दिखाया जो कि एक्चुअली लगता है वो दिखने में बाहर से कॉम्पैक्ट है बट एक्चुअली बहुत ह्यूज है। उसके अंदर जितना भी एक घर में हो सकता है वो सब कुछ है, डाइनिंग टेबल, वर्किंग स्पेस, स्लीपिंग सेटअप, किचन, वाटर मैनेजमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, वो सब कुछ उसमें है। तो मुझे तो ये सेटअप बहुत ही शानदार लगा और जो लोग भी टाटा नैनो को अंडर एस्टिमेट करते हैं मुझे लगता है अब आप लोगों को अंडर एस्टिमेट करना एटलीस्ट टाटा नैनो को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये इस समय हम लोग रिमोट लोकेशन पे हैं, ऑफ बीट है
और ऑफ रोडिंग लोकेशन है जहाँ पे ये टाटा नैनो इस समय खड़ी हुई है। और जो सेटअप हम लोगों ने आपको दिखाया वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि उसमें कितना कुछ है, तो सब कुछ ही है एक्चुअली उसमें। और मैं आपको सच बताऊं, इतनी छोटी गाड़ी, मतलब वो चाहे टाटा नैनो हो, चाहे वो मारुति सुजुकी की कोई गाड़ी हो, या फिर कई सारी SUVs भी मैंने देखी हैं ओवरलैंडिंग के दौरान, जिसमें कि इतना सब कुछ नहीं है एक्चुअली। एटलीस्ट टॉयलेट तो नहीं है, बाकी सब कुछ तो हो जाता है। तो संजीव जी, आपने बहुत ही अल्टीमेट डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत ही शानदार, आपने मेहनत भी की हुई है मैं कहूँगा, और अपना दिमाग का और इस छोटे से छोटे स्पेस का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया हुआ है। और संजीव जी का एक चैनल भी है, टाइनी मोटर होम, और बहुत ही खूबसूरत और सिनेमेटिक वीडियो वो बनाते हैं, मैंने उनके वीडियोस पर्सनली भी देखे हुए हैं। तो आप लोग भी, मैं कहूँगा, इन्होंने इतनी मेहनत की हुई है तो ये डिज़र्व करते हैं कि आप उनके चैनल को और संजीव जी को सपोर्ट करें। तो संजीव जी, कुछ बताना चाहेंगे अपने चैनल के बारे में? मैं चैनल के बारे में तो खैर ज़्यादा क्या बोलूँ, क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट में हूँ वो हर कोई कर रहा है, हर दूसरा बंदा अपना चैनल बना के इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, दिखा रहा है कि वो कैसा एक लाइफ स्टाइल जी रहा है। मेजर फोकस मेरा ये था उन लोगों के लिए जो सिर्फ देखते हैं, करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो उनके लिए एक मैसेज यही है कि आप ये मत सोचिए कि एक गाड़ी बड़ी है या छोटी है, आपके पास जो भी है उससे आप अपना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप एक कहीं से शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जरूर जाएंगे। तो इसीलिए मैं बस ये चाहूंगा कि ये एक जो कॉन्सेप्ट या प्रोजेक्ट मैंने बनाया है ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही डेडिकेटेड है, क्योंकि आप लोग ही इसको देखकर इतना तो सोच सकते हैं कि दुनिया में इससे छोटी गाड़ी नहीं है, और इतनी छोटी गाड़ी का जब हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपके पास डेफिनेटली इससे बड़ी ही गाड़ी होगी, चाहे वो वैगनार हो, चाहे वो i10 हो, या कुछ भी हो। तो आप लोग शुरू करें, हिम्मत ना हारें, और आपको बहुत मजा आएगा इस तरीके की लाइफ को एक्सपीरियंस करने में। बाकी मैं एक बार दोबारा बोलूंगा, टाइनी मोटर होम मेरे चैनल का नाम है, एक साथ लिखिएगा, बीच में स्पेस मत डालिएगा। चैनल बहुत नया है इसलिए मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बाकी मिलते हैं। तो धन्यवाद संजीव जी आपका बहुत बहुत, आपने इतना खूबसूरत 1BHK हमें दिखाया और हमारी ऑडियंस को भी दिखाया। आप लोग इनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल AS छाबड़ा को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओवरलैंडिंग में इंटरेस्ट दिखाएं, जिनके पास छोटी गाड़ियां हैं वो भी, और जो सोचते हैं कि ओवरलैंडिंग के लिए बहुत ह्यूज खर्चा लगता है या बहुत एक्सपेंडिचर होता है, उनकी गलतफहमी दूर हो, और वो उनके पास जो भी गाड़ी या व्हीकल अवेलेबल है वो अपना ओवरलैंडिंग उससे स्टार्ट कर सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।